गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड, जैसा हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, और हम लोगों ने दो केसेस में निकाले थे, एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। तो आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मान लीजिए आपका एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे स्प्रेड होगा चारों तरफ। तो अगर एक लाइन की हम बात करें तो एवरी पॉइंट पर क्या होगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ भी अलग होगा, यहाँ भी अलग होगा, हर जगह क्या होगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंट होगा। यानी जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे पोटेंशियल हमारा क्या होगा, वो डिक्रीज करता रहता है। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ये हमें बताता है कि आगे मूव करते हैं डिस्टेंस में, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, पोटेंशियल हमारा डिक्रीज करता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, यानी जो हमारा पोटेंशियल है वो किस रेट से चेंज हो रहा है विथ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ये रिफर करता है, इंडिकेट करता है पोटेंशियल ग्रेडियंट को। और पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लिखते हैं dV/dr, जहां पे हमारा r क्या है, डिस्टेंस होता है, और v क्या है, पोटेंशियल है। कि हमारा dV/dr ये क्या दिखा रहा है, स्मॉल चेंज दिखा रहा है किसमें, पोटेंशियल में। तो पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट इसलिए इसको कहा गया है कि यहाँ पर जब भी हम किसी भी स्मॉल चेंजेस को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, या तो डेल्टा का यूज करते हैं, या फिर हम लोग कैलकुलस मेथड से डी सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी डी अपॉन, जैसे डीटी किया जाता है टी के रिस्पेक्ट में, इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल हमारा डिक्रीज करेगा, आर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी आर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डिफिनीशन में यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, क्या कहेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ डिस्टेंस कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का कोई सिंबल नहीं होगा, हम सीधे लिखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू क्या होगा आपका, डीवी अपॉन डीआर, सीधे हम लिखेंगे, ये हमारा फार्मूला है डीवी अपॉन डीआर। तो याद रखिए, जब भी हम कहीं पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम किसी एक लाइन को लेकर की बात करते हैं, तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होती है उस पर आगे मूव करते हैं, यानी आर जैसे जैसे आपका इंक्रीज होगा, वी क्या होगा आपका, डिक्रीज करता है। तो इसीलिए इसकी डिफिनीशन ली गई है, जो होती है द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, और कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसका फार्मूला कीप इन माइंड,
we can write as potential electric potential gradient equal to dv upon dr. अब बात आती है कि इसकी यूनिट क्या है, इसकी जो हम लोग यूनिट लिखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल जो ग्रेडियंट होता है डीवी अपॉन डीआर लिखते हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू हो जाएगा डीवी का मतलब आपका क्या है, ये इसका यूनिट क्या होगा आपका वोल्ट होगा, यानी वोल्ट, और डीआर क्या है आपका ये स्मॉल डिस्टेंस है जिसकी यूनिट हो गई मीटर, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का हम यूनिट जो लिखते हैं वोल्ट पर मीटर लिखते हैं। इसी तरह से अगर इसका हम डायमेंशन लिखना चाहें, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशन अगर हम निकालें तो ये लिख सकते हैं डीवी अपॉन डीआर। तो सबसे पहले हमें जो हमारा पोटेंशियल है उसका हमें डायमेंशन निकालना होगा। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे बीच पर टू आप जानते हैं क्या होता है डब्लू बाई क्यू। अब आपको डब्लू का डायमेंशन पता होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस, और क्यू क्या है, क्यू का डायमेंशन हम क्या लिखते हैं ए टी। इसको ऊपर ले जाइए प्रेस करके तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए पावर माइनस वन और टी पावर माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यंग का कोई टर्म नहीं है, एल स्क्वायर का भी कोई टर्म नहीं है, टी माइनस टू यहाँ है टी माइनस वन है, तो दोनों के पावर ऐड कर लीजिए वी इक्वल टू होगा एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस थ्री और ए पे पावर माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ पोटेंशियल। अब यहाँ पे हमें जैसे पता चल गया है इसको यहाँ पे हम सीधे रख दें तो क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए पावर माइनस वन, और नीचे हमारा क्या है डी आर, डी आर का मतलब आपका एक तरह से लेंथ हो गया तो इसका हो जाएगा आपका एल। इसको ऊपर ले जाइए पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस थ्री ए पावर माइनस वन ईयर का और माइनस। अब देखिए एल स्क्वायर यहाँ है एल माइनस वन है तो आपका यहाँ पे पावर कम हो जाएगा एम एल टी माइनस थ्री ए पावर माइनस वन। ये आपको मिल गया डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं डायमेंशन निकाल सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का। अब एक हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस है। तो आपको बता दूं जो मेन हमारा डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं हमारे वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्जेस फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या पता चलेगा कि जो चार्जेस हमारे होते हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह से इन द सेम वे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडिएंट में जो हमारे चार्जेस होते हैं पोटेंशियल ग्रेडिएंट वो हमारे हमेशा चार्जेस जो होते हैं वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। इधर आपका हो गया ये हाई पोटेंशियल, यही मेन डिफरेंस है। यानी आप कह सकते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इन द सेम वे यू कैन टेल एज इन पोटेंशियल ग्रेडिएंट इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो ये हमारा दैट इज द मेन डिफरेंस है। अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या डिफरेंस है इनमें, तो आप इसी को बताइए, क्योंकि यही सबसे मेन डिफरेंस होता है चार्जेस का मूवमेंट। जब चार्ज हमारे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिफर करेगा, और जब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ हम मूवमेंट देखेंगे तो किसको रिफर इंडिकेट करेगा, पोटेंशियल ग्रेडिएंट को। तो कीप इन माइंड यही हमारा क्या है, दोनों में मेन डिफरेंस है। अब इसके बाद जो हमारा न्यू टॉपिक है इसी में, वो है डिफरेंस रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडिएंट। दिस इज द न्यू टॉपिक। यहां पर हम रिलेशन निकाल के लेंगे कि क्या रिलेशनशिप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडिएंट के बीच में। सपोज करिए ओ आपका क्या है, एक पॉइंट है जहां पर आपका प्लस क्यू आवेश क्या है, इसको आपने प्लेस्ड किया है, और इस ओ पॉइंट से ये सपोज करिए आपका होगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को। अब सपोज करिए कि ओ पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ए है जहां पे आपका पोटेंशियल क्या है, वी है, और इसी लाइन पे दूसरा पॉइंट आप कंसीडर कर लीजिए बी, और इस बी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज क्यू जीरो क्या है, प्लेस्ड है, और ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है आपका वो सपोज करिए क्या है, डी आर। ठीक, और बी पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल होगा वो होगा बी माइनस डीवी, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको इससे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव करते हैं तो हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर ए पॉइंट पर पोटेंशियल आपने क्या ज्यूम किया, बी है, और यहाँ पर बी पॉइंट पर बी माइनस डीवी है, और इसी बी पॉइंट पे क्या आपका एक चार्ज क्यू जीरो प्लेस्ड है। इतनी बात समझ में आई होगी आपको, क्या करना है आपको, ऐसे कंसीडर कर लिए कि ये पॉइंट
पॉइंट ओ है जिसका प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है और पॉइंट ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल आपका वी है और इसी आगे एक पॉइंट आप बी कंसीडर करिए जहां पे टेस्ट चार्ज क्यू जीरो प्लेस्ड है और यहां पे पोटेंशियल आपका वी माइनस डी वी है। अब देखिए अब इस प्लस क्यू चार्ज और क्यू जीरो चार्ज पर क्या होगा एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा यानी ये जो हमारा क्यू चार्ज है ये क्या करेगा हमारा जो टेस्ट चार्ज क्यू जीरो है इस पर फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फोर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आप लिखते हैं एफ अपॉन क्यू जीरो तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा आपका क्यू जीरो इंटू ई। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्यू जीरो एक्सपीरियंसेस ए फोर्स एज एफ इक्वल टू क्यू जीरो इंटू ई ये कितना क्या होगा हमारा फोर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आगे हम पढ़ते हैं अब इस टेस्ट चार्ज को सपोज करिए हम मूव कराते हैं बी टू ए तो हमें क्या करना पड़ेगा इस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो हमारा वर्क होगा डब्लू वो किसके इक्वल होगा हम लिख सकते हैं डी डब्लू इक्वल टू एफ इंटू एफ की वैल्यू हमारी क्या है क्यू जीरो तो यहां से एफ की वैल्यू हम रिप्लेस कर दें तो डी डब्ल्यू इक्वल टू होगा क्यू जीरो इंटू ई और इंटू डी आर। और यहां से अगर हम Q0 को यहां ऑन में ले आए तो D W अपॉन Q0 इक्वल टू होगा E इंटू डी आर और D W अपॉन Q0 आपको क्या देगा ये DV मिलेगा आपको E इंटू डी आर। चूंकि यहां पे जो हम वर्क डन करेंगे तो चूंकि ये जो डी आर है आपका यहां पर ये क्या होगा आपको माइनस में होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हम मूव कराएंगे तो यहां पे आप डी आर को माइनस में करिए यहां भी क्या होगा माइनस में तो यहां पर क्या आपका जाएगा माइनस ई इंटू डी आर यहां भी आप लिख सकते हैं माइनस ई इंटू डी आर। अब यहां से डी आर को अपॉन में करिए तो डी वी अपॉन डी आर ये क्या देगा आपको माइनस ई बोथ साइड मल्टीप्लाई विथ निगेटिव तो आपको ये आपको क्या मिलेगा ये निगेटिव हो जाएगा डी माइनस डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा ई या ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस dv अपॉन dr ये आपको रिलेशन मिल गया दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडिएंट dv अपॉन dr आप जानते हैं क्या है आपका पोटेंशियल ग्रेडिएंट है। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है नेगेटिव साइन यहाँ पर हमारा ये इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा r इंक्रीज करेगा पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीज करेगा ये रिप्रेजेंट कर रहा है यानी यहां पे लिख सकते हैं आर इंक्रीजेस देन वी क्या होगा
डिक्रीज करेगा, ठीक है, यानी आर के इंक्रीज करने पर आपका वी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये आपका क्या है, एक रिलेशनशिप है और इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका ये डेरिवेशन है, तो इसको याद रखिएगा, एक बार फिर करिएगा। ये आप समझ रहे होंगे डी आर को निगेटिव लिया है, क्योंकि हम चार्जेस को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडिएंट। और यहीं पे आज का लेक्चर स्टॉप किया जाता है, और इसको देखिएगा आप सभी लोग, और कोई दिक्कत होगी बताइएगा, और कब नेक्स्ट जो भी होगा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, और कंटिन्यू वॉच करते रहिए, मेहनत करिए, क्योंकि ट्वेल्थ है आप लोगों का, पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि बोर्ड की परीक्षा आपको देनी है। चलिए पढ़िए, सभी को थैंक्स।